2019 का तो आपने बीएसपी संघ कुछ सीटें आपके हाथ तो आ भी गई, लेकिन इस बार तो बीएसपी ने सीधे सीधे तौर पर घोषणा कर दी एक बार फिर एकला चलो की। अब कैसे इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाएंगे? देखिए पूजा जी, लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को पीडीए हराएगा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का जो गठजोड़ होगा वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर शिकस्त देने का काम। धनंजय जी कह रहे हैं कि दलित समाज प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल में बसता है, आपने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया, इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया दलितों को, आप उससे उनको वंचित क्यों करना चाहते? आप जो आरक्षण का अधिकार मिला दलित समाज को, आप उनसे उसको वंचित क्यों करना चाहते हैं? सरकारी नौकरियां में जो आरक्षण मिला उसमें गोलमाल उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार कर रही है, और ये बाकायदा सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियां हो, विश्वविद्यालय में भर्तियां हो, लगातार दलित समाज के अधिकार को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। और एक ज्वलंत बात बताऊंगा आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों में एक आदेश पास हुआ था कि दलित समाज का नौजवान जो ठेकेदारी करना चाहे, सरकारी विभागों में ठेकेदारी करना चाहे, उसको आरक्षण की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये दलित समाज के अपने को सुचिंतक कहते हैं और लगातार अधिकारों से दलित समाज को वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार उनके हक पे डाका डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने पहले भी कहा कि कोई ना कोई गठबंधन बनेगा, एक इंडिया का स्वरूप का गठबंधन दिख रहा, और निश्चित रूप से अभी इसमें कई दल शामिल होंगे आने वाले दिनों में, और एक मजबूत अलायंस, एक ऐसी सरकार जो दलितों के अधिकार का हनन कर रही है, जो पिछड़ों के अधिकार का हनन कर रही है, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार का हनन कर रही है, ऐसी सरकार को बेदखल करने के लिए वो अलायंस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर काम करे।